हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? होप सब अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। आई एम योर साइंस एजुकेटर मलिका सेठी। यू आर वॉचिंग मी ऑन क्लास अपार्ट चैनल। दिस चैनल बिलोंग्स टू अनअकैडमी। तो देखो, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, बट अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आप अपने फोन में प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको स्पेशल कोर्सेज मिलेंगे, प्लस कोर्सेज मिलेंगे, बट आप अपना प्लस कोर्स लेने के लिए, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर मेरा कोड यूज करते हैं MASE, तो आपको क्या मिलेगा? फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। 10% ऑफ बोले तो देखो, जैसे आपको 3 मंथ्स का 7500 पे करना है, बट प्रोसीड टू पे पे जाके अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर रही हैं MASE, तो आपको इंस्टेंटली क्या मिल जाएगा? ऑफ मिल जाएगा। 7500 की जगह पे आपको 6750 रुपीज पे करने होंगे। तो जाइए अपने लर्नर ऐप से डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए और प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। आपको कुछ भी सब्जेक्ट्स, कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी सब्जेक्ट्स चाहिए, सिलेबस चाहिए, उसके आपको वीडियोस मिलेंगे। टॉप से टॉप एजुकेटर्स वहां पे आपको पढ़ा रहे हैं। और आपके अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करने का क्या फायदा है? देखो, आपको कोई डाउट है, आप उस एक क्वेश्चन का डाउट नहीं पूछ सकते किसी से, किसी टीचर से नहीं पूछ सकते, बट आप अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? आपको क्या करना है, आपको जस्ट, आपको देखो पिक्चर में, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको क्या करना है, एक जो भी क्वेश्चन होगा उसकी पिक्चर लेनी है और उस पिक्चर को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है, आज के डाउट पे जाना है। देन आप अपने क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को चूज करना है कि जो आपका डाउट है वो कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। चूज योर सब्जेक्ट, देन आप उसको क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे, अपलोड कर दोगे। आपका क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। आपको वो जो क्वेश्चन का आंसर है वीडियो की फॉर्म में अच्छे से अच्छे एजुकेटर से बहुत इजीली वे में समझाया जाएगा, जिससे आपका डाउट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। जल्दी से अगर लर्नर ऐप डाउनलोड नहीं है तो पहले लर्नर ऐप डाउनलोड कर ले, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूले। ये था हमारा अनअकैडमी का इंट्रोडक्शन। आज हम करने क्या वाले हैं, मैंने आपको लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट करा दिया है टॉपिक। अगर आपने नहीं किया है तो मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख लें, न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो सब कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा है रिवीजन सेशन। हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस के, जो आपके लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं, एनसीईआरटी में पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं आपको वो कवर कराने वाली हूँ ओनली न्यूट्रिशन चैप्टर के, न्यूट्रिशन टॉपिक के। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। What are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? देखो, आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने बहुत इजी होते हैं अगर आपको अपना बेसिक क्लियर है तो। तो हमने क्या किया हुआ है, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition मैंने आपको करा रखा है। What is the meaning of auto? Auto means होता है self and hetero means होता है others. Okay? ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक मीन्स होता है मेड। जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, दीज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक, वी आर हेटरोट्रॉपिक एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। की बेसिक मैंने आपको क्लियर करा दिया, बट आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है तो हम लिख सकते हैं इजिली कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक्स इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद बनाते हैं, बट हेटरोट्रॉपिक में क्या रहता है, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा यही हो गया कि हमने डेफिनेशन लिख दी। सेकंड में ये बताना है हमें कि इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, रॉ मटेरियल किस टाइप के चाहिए होते हैं। अब आप अपने माइंड में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रखो कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना फूड खुद बनाती है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या था, हमने फोटोसिंथेसिस किया था। फोटोसिंथेसिस कौन करती है, ऑल ग्रीन प्लांट्स करती हैं। तो ऑटोट्रॉपिक के लिए आपको ये कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ऑटोट्रॉपिक्स क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होती हैं, रॉ मटेरियल हमें चाहिए क्लोरोफिल, हमें चाहिए सनलाइट, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। क्लोरोफिल प्लांट्स के पास ऑलरेडी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरमेंट से गेन करती हैं, सनलाइट भी एनवायरमेंट से लेती हैं,
वाटर वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स रूट से लेते हैं, ठीक है। बट हेटरोट्रॉपिक में जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो क्या होता है, सिंस इट डज नॉट मेक इट्स ओन फूड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिक्वायर एनी रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल, जैसे हम अपनी चपातीज बना रहे हैं, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए कि मुझे फ्लावर चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, मुझे गैस चाहिए, ये सब चाहिए। बट ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फूड बना रहे हैं, बट हम ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसे रॉ मटेरियल जरूरत होंगे। हमें आटा कैसे बनाना है, आटा तो हम ले तो प्लांट से ले रहे हैं ना, हम अगर व्हीट ले रहे हैं तो हम प्लांट से ले रहे हैं, तो हमें या हेटरोट्रॉपिक में कोई भी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। बट फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स फॉर क्लोरोफिल, CO2, सनलाइट, वाटर, दीज आर ऑल रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। इट कांट टेक विदाउट क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉपिक जो है वो क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकती है। अगर ये सब चीजें भी मिल जाए ना, उन्हें सनलाइट मिल जाए, वाटर मिल जाए और उनके पास क्लोरोफिल नहीं हो, तो वो नहीं बना सकते अपना फूड। क्लोरोफिल की कोई जरूरत नहीं होती है। ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी शो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल बता दिया हमने कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या एल्गी हैं, वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपना बनाते हैं। बट एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट हो गया, ये क्या है, ये क्या करते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऐसा मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि मैंने आपको ये 4 पॉइंट करा दिए तो आपको ये 4 के 4 पॉइंट एज इट इज क्रैम करने हैं। नो, आपके पास आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। यू कैन राइट, आप लिख सकते हो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। बेसिक क्लियर होना चाहिए, हमें क्लोरोफिल किस में चाहिए, ऑटोट्रॉपिक में चाहिए, हमें क्लोरोफिल किस में नहीं चाहिए, हेटरोट्रॉपिक में चाहिए। तो आप अपनी लैंग्वेज में जब तक आंसर लिखना नहीं सीखेंगे तब तक आप मार्क्स भी नहीं ले सकते अच्छे। अपनी नॉलेज लो, अपनी नॉलेज को अंदर गेन करो, अपने ब्रेन में डालो और जो लिखना है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज लिखो। बुक की नॉलेज लो सिर्फ, उनकी उनकी वर्डिंग को कॉपी कभी मत करना, ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कहां से लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, हमने अभी बात की कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए क्या क्या, CO2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, वॉटर भी चाहिए एंड हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। बट वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स, कहां से लेते हैं, तो कहां पे लेंगे, कॉमन सी बात है, CO2 कहां से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे। लेंगे किसके थ्रू, स्टोमेटा से। व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटास आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। जैसे कोई भी हमारे पास, हमने ग्रीन लीव ले ली, उसके सरफेस के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो CO2 कहां से लेती है, एनवायरमेंट से लेती है। वाटर कहां से लेते हैं, पानी हम कहां लेते हैं, हम वैसे तो पानी प्लांट्स के ऊपर भी डालते हैं, बट मेनली जो प्लांट्स हैं वो कहां से लेते हैं, रूट से लेते हैं। तो रूट से क्या करती है, अब ट्रांसपोर्ट टू लीव्स, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसके बीच में सीव्स होती हैं, पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है उनके पूरे के पूरे प्लांट तक पहुंच जाता है। सनलाइट कहां से लेंगे, ऑब्वियसली सन से लेंगे, सन कहां पे है, हमारे एनवायरमेंट में है, तो सन से सनलाइट लेती है। क्लोरोफिल उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, बट इस क्लोरोफिल, ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स इन देयर लीव्स, दीज ग्रीन पिगमेंट्स आर नोन एज क्लोरोफिल। ओके, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ग्रीन किस लिए है, ग्रीन पिगमेंट की वजह से है, ग्रीन पिगमेंट्स को ही क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी टेंडेंसी होती है। क्लोरोफिल का काम क्या है, हम कब से क्लोरोफिल बोल रहे हैं, क्लोरोफिल करता क्या है, क्लोरोफिल लाइक ए मैग्नेट काम करता है, जो कि सनलाइट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सनलाइट क्या करेगा, क्लोरोफिल के पास आएगा और ये सब मिलके आपस में क्या करेंगे, CO2 H2O मिलके ग्लूकोज बना देंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो रही है हमारी। ओके, तो ये आपको एक पिक्चर के थ्रू भी दिखाया गया है कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सब मिलके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट के अंदर हो रही है और मिल क्या रहा है हमें, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन हमें एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है।
ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर आई थिंक। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टमक, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा सारा फोटोसिंथेसिस था, तो फोटोसिंथेसिस के बेस पे आपके पास टू क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अब न्यूट्रिशन इन एनिमल पे क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टमक, बताओ। अब हमने ये लाइन कहां पढ़ी थी, आपको कोई आंसर नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं करना, आप जस्ट क्वेश्चन को रीड करो, देन गो टू योर बेसिक कि मैंने आपको कराया क्या था। मैंने आपको ये बोला था कि स्टमक में जो फूड जाता है तो स्टमक की वॉल एक जूस सीक्रेट करती है, दिस जूस इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। मैंने बोला था आप अपने ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, इन सबको फेवरेट छोड़ दो, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इंटरस्टिशियल जूस, इन जूसेस को याद करो अभी आप। गैस्ट्रिक जूस किस किस से मिलके बना था, HCl से मिलके बना है, पेप्सिन से मिलके बना है, प्लस मुकस, ये तीन चीजों से मिलके बना हुआ है गैस्ट्रिक जूस। तो रोल क्या है एसिड का, एसिड का रोल फर्स्टली तो ये होता है कि हमारे फूड के अंदर हमारे स्टमक में जितने भी बैक्टीरियाज हैं उसको किल कर देता है, क्योंकि एसिड जो होते हैं ना उसकी पीएच बहुत कम होती है और एसिडिटी में कोई भी बैक्टीरियाज जो है लो पीएच में वो नहीं रह सकते, लिव अलाइव नहीं रह सकते, उनको इन्वायरमेंट क्या चाहिए, थोड़ा सा पीएच हाई चाहिए तभी वो रह सकते हैं, अपने अलाइव रह सकते हैं। तो एसिड का फर्स्ट काम तो यही है कि ये क्या करता है, किल्स करता है बैक्टीरिया को। सेकेंड इसका ये है कि हमारे फूड को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, क्योंकि अगर हमारा फूड एसिडिक बनेगा तभी हमारे फूड का प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। तो एसिड इन अवर स्टमक प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द इम्यून सिस्टम बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स दैट आर इंजेस्टेड विद फूड। हम अपने फूड के साथ खा लेते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं। स्टमक एसिड एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन, ये जो है ना पेप्सिन मैंने आपको बोला है ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होगा जब हमारा फूड एसिडिक हो जाएगा, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होगा। एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए फूड को एसिडिक बनाना पड़ेगा। और इसका फायदा क्या है, हमने क्यों इस एंजाइम को एक्टिवेट किया, क्योंकि पेप्सिन जो है ना हमारे फूड के अंदर जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। सो हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टमक एसिड एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन नीडेड द प्रोटीन डाइजेशन, स्टमक एसिड सिग्नल्स टू द पैनक्रियाज प्रोड्यूस्ड डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम टू फर्दर ब्रेक डाउन। तीन काम है इसके, सबसे फर्स्ट काम तो इसका बैक्टीरिया को किल करना है, सेकेंड पेप्सिन को एक्टिवेट करना है, थर्ड आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है बट लिखेंगे तो अच्छा है, कि अगर ये फूड एसिडिक हो जाता है तो पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज जो है नेक्स्ट हमने लेवल किया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो उसको क्या करता है, सिग्नल देता है कि मेरा फूड एसिडिक हो चुका है, अब अपने जूसेस को क्या करो, सिक्रेट करो। तो ये तीन काम किसके हैं, स्टमक के हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको तभी समझ आएगा जब आपने मेरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स करा होगा तब, अदरवाइज ये सब आपके ऐसे ऊपर से ही चला जाएगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चन करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो पे जाओ और उसको देखो जो मैंने आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कराया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कराया है, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब के लिए भी बोल दो, इतना काम तो कर दो यार, इतना पढ़ा रहे हैं तो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हमने अभी पेप्सिन की बात की, या हमने जब बेसिक किया तो हमने अमाइलेज की भी बात की थी, पेप्सिन की भी बात हो गई, एंड हमारे पास क्या है, लाइपेज भी है। और मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि जिसके नेम के पीछे ASE आ जाता है तो वो एंजाइम ही होती है, ठीक है, अमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया। इनका काम क्या है, डाइजेस्टिव जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स है इनका काम क्या होता है, तो देखो इनका काम ये होता है, जो भी हम अपने फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं, लाइक हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, हमने प्रोटीन लिया, हमने फैट्स लिया, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स बोले तो ये एक बिग अमाउंट है या एक इसकी बिग स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके बिग स्ट्रक्चर है ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है, शुगर 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 शुगर, बहुत सारे शुगर को कंबाइन कर दो तो वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करते हैं, हैमर कर रहे हैं उसके ऊपर, तोड़ रहे हैं,
तो जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, लाइक जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर से मिलके बना है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं? शुगर को कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन जो है, अब आपको ये पता होना चाहिए प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं। प्रोटीन के जो यूनिट सेल होता है, मीन्स वो जिससे मिलके बने होते हैं, वो होते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, ये मिलके क्या बनाती हैं? प्रोटीन बनाती हैं। तो प्रोटीन को डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करती हैं? अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करती हैं। और जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड, एक बिग अमाउंट बनेगी, एक लार्ज स्ट्रक्चर बनेगी, जो हम क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम उनको खा खा के लाइक हम एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे पास कोई कपड़ा है, आप उसको रैट को दे दो, रैट क्या करेगा? उसको कुतर कुतर के बिल्कुल ऐसे कॉटन टाइप बना देगा, है ना। वैसे डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी बॉडी में करते हैं, वो खा खा के तोड़ तोड़ के क्या कर देंगे? उसको बिल्कुल सिंपलर स्ट्रक्चर बना देंगे। तो फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। और ये आपको जो बीच में बता रखे हैं, ये एंजाइम्स के नेम है जो कि आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के काम होते हैं। अब कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं आया है जो कि हमने अपने बेसिक्स में या हमने जो अपने चैप्टर में नहीं किया हो, बट क्वेश्चन में आ गया हो, ऐसा नहीं आया। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होती अगर आपने चैप्टर पूरा का पूरा रीड किया है। तो इसलिए पहले आप अपने चैप्टर को क्लियर करो, देन गो टू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? इसमें स्मॉल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, वन टाइप का, कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसपे पूरा का पूरा फूड हमारा क्या हो गया है? डाइजेस्ट हो चुका है, एक पाउडर फॉर्म में बन गया है। फिर जो हम पानी पी रहे हैं या फिर हम बोलेंगे वो लिक्विड फॉर्म में बन गया है, सारा का सारा वॉटर के अंदर डिजोल्व हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है ना, उसपे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे हम बोलते हैं वेली। ठीक है, ये देखो, ये इस टाइप की, अगर आपने स्क्रीन पे देखो कि आपको इस टाइप की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, वेली बोलती हैं इन्हें। इनका काम क्या होता है? ये एक सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं। ये क्या करती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी हमारा डाइजेस्टिव फूड वॉटर के अंदर डिजोल्व है वो ले लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और कहाँ चला जाता है वो सारा का सारा फूड? हमारे ब्लड में चला जाता है। मींस जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका पहले काम है कि उसका ब्रेक डाउन होके बिल्कुल पाउडर बन जाना, फिर वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद वो हमारे कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। तो इसमें क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली कैसे डाइजेस्ट करती है? विली लाइक स्ट्रक्चर होती है, विली लाइक स्ट्रक्चर से क्या करती है? ये एब्जॉर्ब कर लेती है। The inner lining of the small intestine has numerous villi which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या करता है? हमारा जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? Diffusion जो है वो insufficient क्यों है? Means हम लोग क्या करते हैं, diffusion नहीं होती हमारी body में। तो multicellular organisms have a complex body design। हमारी body कितनी complex है, जो एक single cell है ना वो क्या करेगा, वो diffusion के through भी oxygen ले सकता है, क्योंकि उसका एक ही cell है, एक सेल है, उस सेल को एनर्जी इजीली मिल जाएगी। बट मल्टी सेलुलर बॉडी, हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, तो हमारे को डिफ्यूजन की बजाय ऑल द सेल्स ऑफ देयर बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, दस डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मेट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। ऐसा तो नहीं है मेरी बाजू अपना अलग सांस ले रही है, ये बाजू मेरी अलग सांस ले रही है, मेरी स्किन अलग लेती है, ये भी लेती है ऑक्सीजन अपने एनवायरमेंट से, बट हमारी बॉडी के जो ईच एंड एवरी सेल के पास जितनी भी एनर्जी चाहिए वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होती है। उसके लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफ्यूजन नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिंगल सेल ही करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है जो कि हमने अपने थियोरेटिकल पोर्शन में नहीं किया था, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के जो इंट्रो होता है उसमें से लिया गया है क्वेश्चन।
इसमें इंट्रो में यही दे रखा है कि डिफ्यूजन सिंगल सेल कैसे करते हैं, मल्टी सेल्स कैसे करते हैं, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन से ये क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे, क्राइटेरिया ऐसा कौन सा बताएंगे कि हम बताएंगे कि हम अलाइव हैं। क्या बताओगे आप, कैसे बता सकते हैं? मान लो आप अपने पे ले लो, मैं अपने पे ले लूं कि मैं अलाइव हूं, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं ब्रीथ कर रही हूं, ठीक है, रेस्पायर कर रही हूं, मुझे एनर्जी चाहिए, मींस मैं रेस्पायर कर रही हूं, मैं मूवमेंट कर रही हूं, चल फिर रही हूं, बोल भी रही हूं, मेरे को फूड भी चाहिए, मुझे वाटर भी चाहिए। तो जो हम अपने आप को देखेंगे कि हम अगर जिंदा है, अगर कोई अलाइव नहीं है, डेड बॉडी है, तो वो क्या होगी, जैसे कि जैसे मर्जी रख दो, ना तो वो मूवमेंट करेगी, ना उसे भूख लगेगी, ना वो पानी पिएगा, कुछ भी नहीं। तो अलाइव और नॉन लिविंग में क्या फर्क होता है, अलाइव क्या होती हैं, उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मींस उनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन भी होगा, ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी, डेथ होगी, रेस्पिरेशन भी उनकी बॉडी के अंदर जरूरी है, मूवमेंट्स भी होगा, न्यूट्रिशन भी होगा, रिप्रोड्यूस भी होगा, डेफिनेट लाइफ स्पैन भी होगा उनका। तो ये सारे के सारे अलाइव के सिम्टम्स हैं। हम क्राइटेरिया बताएंगे, मतलब मैं जो मैंने आपको बताया वो मैंने एक लिविंग का बताया कि आई एम लिविंग, कि मेरे को ये सब चीजें चाहिए, बट हमें अलाइव का बताना है, पूरे लाइफ जीवन का बताना है कि क्या क्या क्राइटेरिया। तो रिप्रोड्यूस भी होता है, उनका एक प्रॉपर लाइफ स्पैन भी होता है, व्हाट इज लाइफ स्पैन मींस आपकी कितनी लाइफ होती है, तो मैक्सिमम ऐसे 60-80 हम मान के चलते हैं कि हमारा ये लाइफ स्पैन होता है। और जो ऑल मेंटेन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, ये जो है आर एब्सेंट, सॉरी, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये सब उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। लाइक ये पेन है, दिस इज नॉन लिविंग, ना ये चल रहा है, ना ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना ये इनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, ना ये ब्रीथ कर रहा है। तो अलाइव और नॉन अलाइव आपको अच्छे से पता ही है। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल है, क्या क्या यूज करते हो आप अपने लाइफ के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पिज्जा बर्गर नहीं, जो कि मैं आपको बोलूंगी हमारे को, हाँ मैं तो पिज्जा के बिना नहीं रह सकती, बर्गर हम रह सकते हैं अगर हमें नहीं मिलेगा। कोविड में सब कुछ बंद हो गया था, हम लोग रहे थे घर पे, बनाया वो बात अलग है, पर हमें जो चीज हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, वी कांट लिव विदाउट दिस वॉटर, हम वाटर के बिना नहीं रह सकते। पानी, हम अगर हमारे को प्यास लगी है, हम आधा घंटा भी पानी के बिना नहीं रह सकते, हम पानी के बिना मर सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी हम मर सकते हैं, फूड के बिना भी हम मर सकते हैं। ये जो है हमारे लिए असेंशियल है, जरूरी है, जो कि आउटसाइड रॉ मटेरियल्स है हमारे लिए। ठीक है, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ प्लस में मैं आपको बोलू लिस्ट, तो आपका पिज्जा प्लस में, मोमोज प्लस में, बर्गर, पता नहीं क्या कुछ बन जाएगा, कोक, पेप्सी, तो ये सब चीजें हमारे सिर्फ टेस्ट के लिए हैं, बट आपके आउटसाइड रॉ मटेरियल जो कि आपकी बॉडी के लिए असेंशियल है, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो है वाटर, ऑक्सीजन प्लस में फूड। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तब मैंने बोला था कि हमारी बॉडी के लिए जो जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है वो क्या है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, वो जरूरी है। खाना खाने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो जरूरी है। एनर्जी के बाद जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। फिर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी से रिमूव भी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होगा तो भी डेंजरस है, डेथ हो सकती है उसकी वजह से। तो व्हाट प्रोसेसेस, ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं वुड यू कंसीडर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए असेंशियल है। तो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रिएशन है, जो कि हम इन चारों के बारे में डीपली इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस में हमारे वापिस से रिविजन भी हो गई है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मेरे चैनल पे आप डेली 5 PM पे मुझे साइंस का हमारा जो लाइव प्रोसेस चल रहा है आप डेली देख सकते हैं। क्लास आप आज चैनल पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, उससे जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।